बढ़ते हैं। तो राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन आज से 3 सितंबर को होने वाली उपचुनाव की आज जारी होगी अधिसूचना। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिले की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने कल मीटिंग ली थी। रिटर्निंग अधिकारी व विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा के साथ मीटिंग की। रिटर्निंग अधिकारी नामांकन समीक्षा, नाम वापसी, मतदान, मतगणना के दौरान ईसीआई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराएंगे। राज्यसभा उपचुनाव हालांकि राजस्थान के लिए महज एक सीट पर यह उपचुनाव होना है, लेकिन आज अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिले को लेकर के कल मीटिंग भी ली गई थी। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, निर्वाचन आयोग ने देश के 9 राज्यों में 12 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था, राजस्थान की एक सीट पर भी उपचुनाव की बात। आप बताइएगा इसके लिए शुरुआत कैसे हो रही है, नामांकन आज से हो रहे हैं क्योंकि? देखिए शिखा, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ना ही कांग्रेस पार्टी, दोनों ने ही अभी तक इस बारे में अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है एक दो दिन में ही ये तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और संभावना है कि जल्द ही उम्मीदवार घोषित हो जाएगा। राजस्थान में एक सीट पर केसी वेणुगोपाल के लोकसभा सांसद बनने के बाद कांग्रेस पार्टी की एक सीट खाली हुई है, और जो विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, अब बीजेपी सत्ता के अंदर है और संख्या बल के लिहाज से एक सीट जीतने के लिए बीजेपी कंफर्टेबल है, क्योंकि 6 सीटों पर आज तक चुनाव होने अब शेष हो गए, बीजेपी से एक विधायक कम हो गया, तो विरोधी दल के 5 विधायक कम, तो एक तरह से सत्ता में तकरीबन 125 के आसपास जो जनप्रतिनिधि है वो बीजेपी के हैं और कांग्रेस पार्टी के 100 से कम है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो संख्या बल सत्ता पक्ष या भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का मजबूत नजर आता है। तो एक सीट पर बीजेपी मुझे लगता है कि जल्दी अपना उम्मीदवार तय कर देगी, और राजस्थान में 5-5 जैसे ही अगर बीजेपी अगर ये सीट जीत लेती है तो 5 सांसद राजस्थान से राज्यसभा के बीजेपी के हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी के भी 5 हो जाएगी, 10 सीट राजस्थान से राज्यसभा की है, तो ये बराबरी का मुकाबला हो जाएगा। बहरहाल कांग्रेस पार्टी अभी ये तय नहीं कर पा रही कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है या निर्विरोध रूप से बीजेपी को ये सीट देना है जी। क्योंकि कोई भी चुनाव होता है उसमें संख्या बल देखा जाता है, अगर कांग्रेस पार्टी या फिर कोई इंडिपेंडेंट चेहरा चुनावी समर में आता है तो फिर मतदान होगा और मतदान के बाद ही उम्मीदवार कौन सांसद बनेगा उसका फैसला होगा। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं आता है, विपक्ष का कोई साझा उम्मीदवार नहीं होता है, तो फिर बीजेपी की ओर से निर्विरोध उनका उम्मीदवार होगा, वो सांसद बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में कई चेहरे कहा जा सकता है कि समर में है, जो टिकट की दौड़ में कहा जा सकता है, 2 बड़े नाम है जिनको लेकर चर्चा है, हालांकि आलाकमान क्या तय करेगा लेकिन ये अलग बात है, लेकिन इनमें 3 बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनमें सतीश पूनिया है, अशोक परनामी, अरुण चतुर्वेदी, ये 3 बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जो टिकट की रेस में शुमार है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, ये 4 बड़े नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के चर्चाओं में हैं, जिनको लेकर कहा जा सकता है इनमें से राजेंद्र राठौड़ सतीश पूनिया को लोकसभा का टिकट नहीं मिला था, अशोक परनामी को विधानसभा का टिकट नहीं मिला था, अरुण चतुर्वेदी को भी विधानसभा का टिकट नहीं मिला था। दूसरा विचार परिवार की बात कर लें तो विचार परिवार से भी अब कुछ चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं अन्य बैकग्राउंड के, जिनको समर में उतारा जा सकता है, इसकी भी संभावनाएं नजर आती है। डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री, उनका भी नाम हमने चर्चाओं में सुना है, क्योंकि बीजेपी मतलब राठौड़ इस बारे में पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है, क्योंकि केंद्र का तय करना होता है, केंद्र चाहे तो राजस्थान से बाहर के व्यक्ति को भी चुनावी समर में उतार सकता है, टिकट दे सकता है, तो
क्योंकि संख्या बल कंफर्टेबल है तो उस लिहाज से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल योगेश जी, और इस हिसाब से भी देखा जा सकता है। और नामांकन की शुरुआत और फिर 21 अगस्त को नामांकन का आखिरी दिन, फिर स्क्रूटनी अगले दिन और 27 को नामांकन वापसी और फिर इसके बाद 3 सितंबर को मतदान की बात। बहुत शुक्रिया आपका योगेश जी साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।